हेलो दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लाइफ में, जहाँ मिलता है आपको ऑनलाइन सॉल्यूशन। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन पंजाब। जी हाँ दोस्तों, पंजाब में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में यहाँ पर बम्पर भर्ती निकली है, उसके में अप्लाई कैसे करना है, उसका नोटिफिकेशन और क्या क्या उसमें डिटेल चाहिए, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, पूरी डिटेल आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आप हमेशा अपडेट रहें, क्योंकि हम ऐसे ही नई नई वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन का मैंने यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट खोल लिया है। अब इसका पहले तो मैं आपको नोटिफिकेशन बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब रिक्रूटमेंट 2021, अप्लाई ऑनलाइन फॉर 11,550 वैकेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी है 11,550, जो काफ़ी अच्छी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। अब 11,550 जो वैकेंसी है वो कौन कौन सी है, प्राइमरी टीचर, मास्टर कैडर एंड अदर वैकेंसीज। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी है वो है 11,550, जिसमें से 2,300 मानो मास्टर कैडर की पोस्ट है, जिनकी लास्ट डेट है 1/5/2021। 579 लेक्चरर पोस्ट है, जिसकी लास्ट डेट है 26/4/2021। 135 मास्टर कैडर पोस्ट है, जिसकी लास्ट डेट है 21/4/2021। ठीक है, और यहाँ पर 8,393 प्री प्राइमरी टीचर की पोस्ट है, जिनकी लास्ट डेट 21/12/2020 थी, जो कि अब एक्सटेंड करके 21/4/2021 कर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर इन सबको मिलाकर टोटल जो पोस्ट है या टोटल जो वैकेंसी वो है 11,550। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ द पोस्ट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ब्रीफ इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब हैज़ गिवन एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ मास्टर कैडर मैथ इंग्लिश और यहाँ पर जो है प्राइमरी टीचर की भी वैकेंसीज है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस की हम बात कर लें यहाँ पे, तो जनरल और अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पर 1,000 रुपये का शुल्क लगेगा। एस सी एस टी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 500 रुपये का शुल्क है और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर कोई शुल्क नहीं रखा गया है। इंपॉर्टेंट डेट की हम बात कर लें यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं 10/4 से अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें अलग अलग डेट्स हैं हर एक वैकेंसी के लिए, और लास्ट डेट है 1/5/2021 तक। एज लिमिट की हम बात करें यहाँ पे, तो 18 से 37 साल की एज लिमिट कंपलसरी है, मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 37 साल की आपकी एज होना चाहिए, एज रिलैक्सेशन इस पर रूल दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन की हम यहाँ पे बात करें, कैंडिडेट शुड पोसेस ग्रेजुएशन बी एड रिलेवेंट डिसिप्लिन। ठीक है, ग्रेजुएशन के साथ आपका बी एड होना चाहिए रिलेवेंट डिसिप्लिन में, जिस डिसिप्लिन में मतलब जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट से रिलेटेड आपका बी एड होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जो है वैकेंसीज और भी दी गई है। ठीक, अब इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है पंजाब के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की, इसमें यहाँ पर देखिए न्यू न्यू यहाँ पर हर जगह ब्लिंक हो रहा है, जिसमें मास्टर कैडर की यहाँ पे वैकेंसीज 135, प्री प्राइमरी टीचर 2020 की यहाँ पर 8,000 जो मैंने बताई थी, 8,000+ यहाँ पर वैकेंसीज है। उसके बाद यहाँ पर 2,182 मास्टर कैडर की 2020 वाली वैकेंसीज है, 352 लेक्चरर पोस्ट है, 191 लेक्चरर पोस्ट अलग है, 1,664 पोस्ट अलग है। तो यहाँ पर आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप हम यहाँ पर किसी एक का आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए मास्टर कैडर बैकलॉग, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसके अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पर देखिए अप्लाई करने के लिए इंस्ट्रक्शन पे वगैरह कैसे क्या करना है सब कुछ यहाँ पर पूरा इंस्ट्रक्शन दिया गया, आप चाहे तो इनको पढ़ सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए लॉगिन रजिस्टर्ड यूज़र, अगर आप रजिस्टर्ड यूज़र है तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं एनरोलमेंट आईडी पासवर्ड डालकर, अगर नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर रजिस्टर हियर पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको लिखा है क्लिक हियर टू रजिस्टर, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर पहुँच जाएंगे, जहाँ पर आपको यहाँ पर चेकबॉक्स करना है और प्रोसीड कर देना है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है, मदर नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है और पंजाबी पास 10th लेवल हायर यहाँ पर यस कर देना है। पी एस टी ई टी पास है आपका तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। सर्विसिंग इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रेगुलर, अगर आप यहाँ करते हैं तो यस, नहीं करते तो नो कर दें, और रजिस्टर मी पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको यूज़र आई डी पासवर्ड मिल जाएगा।
उसके बाद आपको अप्लाई करना है, तो अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो पहले चलिए हम यहाँ पे फटाफट से रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं हमारा, जो कि बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए, आप जैसे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको यहाँ पर आपका नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाएगा और पासवर्ड मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ चुका है, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है या फिर आप इसको चाहे तो कॉपी करके रख सकते हैं, ठीक है। और आप इसको एक काम कीजिए, थोड़ा नोट डाउन भी इसको कर लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए, हमने इसको नोट डाउन कर लिया। अब यहाँ पे नाउ क्लिक हियर टू लॉगिन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल देना है। तो लॉगिन आईडी जो कि आपको मिला है, वो लॉगिन आईडी आपको यहाँ पर टाइप कर देना है और पासवर्ड डाल देना है, ठीक है। तो चलिए, हम यहाँ से फटाफट से अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल देते हैं। ये हमने ये रजिस्ट्रेशन आईडी डाल दिया, उसके बाद हम यहाँ पर पासवर्ड डाल देते हैं, ठीक है, और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है यहाँ पर फॉर्म खुलकर आ जाएगा। इसमें आपको देखिए, यहाँ पे डैशबोर्ड आपका है, जनरल प्रोफाइल आपकी यहाँ पर बन जाएगी, अपलोड फोटो सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है आपको, उसके बाद अप्लाई हियर यहाँ पर करना है और फिर फीस पेमेंट या पेमेंट करना है आपको, फिर लॉगआउट कर देना है, ठीक है। तो इतना सारा है, मतलब आपका यहाँ पे लॉगिन क्रेडेंशियल बन चुका है। अब यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई हियर पे आपको जाना है और यहाँ पर आप देखिए किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, पहले वो पोस्ट आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, पहले सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, पहले सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है आपको, हिंदी इंग्लिश मैथ, किस सब्जेक्ट के आप टीचर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है आपका, हैंडीकेप्ड है, हैंडीकेप्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, हैंडीकेप्ड विजुअल, ठीक है। तो यहाँ सब कैटेगरी आपको चूज़ कर लेना है जो भी आपकी है, और फिर अप्लाई पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही यहाँ पर आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, पहले तो रेड कलर में यहाँ पे दिस लिंक विल वर्क इफ फोटो सिग्नेचर इज अपलोडेड एंड जनरल प्रोफाइल इज अप्रूव, ठीक है। तो यहाँ पर जो अप्लाई हेयर वाला जो ये लिंक है, ये तभी अप्रूव होगा या तभी वर्क करेगी जब आप आपकी जनरल प्रोफाइल कंप्लीट कर लेंगे और फोटो और साइन अपलोड कर देंगे। तो जनरल प्रोफाइल पर जाना है आपको, यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर सिंपल सा आपको ईमेल आईडी डाल देनी है, मैरिटल स्टेटस डाल देना है, जेंडर डाल देना है, पंजाब डोमिसिल यहाँ पर डाल देना है, उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल आपको यहाँ पर डाल देना है और फिर आपको एड्रेस आपको डाल देना है और अपडेट कर देना है। तो यहाँ से आपकी जनरल प्रोफाइल अप्रूव हो जाएगी। उसके बाद आपको अपलोड फोटो और सिग्नेचर पे जाना है और यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देना है। ये तभी अपलोड होगा जब आप पहले जनरल प्रोफाइल आपकी कंप्लीट करेंगे उसके बाद, ठीक है। मतलब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप है, पहले आपको ये वाला कंप्लीट करना है, उसके बाद ये कंप्लीट करना है, फिर आपको अप्लाई कर सकते हैं, फिर आप फीस पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल से जो जो उसमें पूछते जा रहा है आपको सब यहाँ पर कंप्लीट अपना डिटेल पोस्ट करते जाना है और फॉर्म को भरते जाना है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में।